न्यायालय के समक्ष वो मामला विचाराधीन है, इसलिए जो आदेश जारी हुए हैं वो 14% के हैं। 13% का ये मेरिट, इस 13% की मेरिट में जो भी हमारे ओबीसी के साथी हैं उनके आदेश अभी रुके हुए हैं, ठीक है ना। तो वो न्यायालय के निर्णय के बाद ही ऊपर हो पाएगा कि क्या मेरिट में जो ऊपर लोग हैं 14% में आ रहे हैं उनका चयन हो चुका, ठीक है ना। तो ये मुद्दे हैं मेन। शिवपुरी में तो मध्यवर्ती चुनाव वहाँ एससी का मामला है अभी और टॉपर है वो बंदा। तो आप मैंने आपने कहा ना ऐसे कोई बोलते हैं, आप अभ्यावेदन दे दीजिए, उसमें विचार होगा ना, क्यों नहीं आप अभ्यावेदन को दीजिए ना। मैडम आप आवेदन दीजिए ना, सर मैं दो बार दे चुका हूँ। मेरी एक बात सुनिए, अगर आप लड़ने का प्रयास कर रहे हैं तो कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको यहाँ पर आया हूँ, है ना, आपका आवेदन दे दिया आपका, ठीक है, अब आपके आवेदन पर विचार हो जाए, आपको सूचना मिलेगी क्या हुआ। और मैं जनरा में पांचवी रैंक है, ओबीसी में सेकंड रैंक है, मेरे को पीछे वालों का होगा पॉलिटिक्स के साथ, तो मेरा टाइम जो भी मैंने आपको आप अभ्यावेदन दीजिए ना, मैं आपसे वही तो बोल रहा हूँ भाई। तो मेरे वेतन ये समझ में आ रहा है कि मेरा पीछे वालों का क्यों होगा, मेरे एक्सपेक्टेड है। देखिए अभी मौखिक रूप से हमें आपको ऐसी कोई चीज नहीं मिला। ओल्ड वालों का निराकरण क्या हुआ, जैसे आप अगर सिलेक्ट सूची में नहीं है तो आप रिजेक्ट हैं। नहीं आ रहा था कुछ भी नहीं आ रहा है। आप जो कह रहे हैं बता रहे हमें क्या जवाब, कुछ अभी टेक्निकल इशू है,